नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का जो आप लोग का रिजल्ट अब आने की जल्दी ही चांसेस हैं, 4-5 दिन में आप लोग का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और आफ्टर आंसर की जो आप लोग का शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग आपको बताएंगे। फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ क्या रहेगी, किस शिफ्ट के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के कम बढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। और ब्रांच वाइज पूरी कट ऑफ के बारे में हम लोग पूरी यहाँ पर डिटेल आप लोग का डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, रेलवे की पल पल की खबर जानने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। इसमें आरआरबी जेईई के फाइनल कट ऑफ्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल सीट्स 13,487 थी, जहाँ पे सिलेक्शन डीवी के लिए 1.5 टाइम्स स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे 20,000 प्लस स्टूडेंट्स या प्लस माइनस 100-200 के आगे पीछे होंगे, अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी सब यहाँ पे अभी इतने सारे आ रहे हैं कि मतलब पोल रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, कि मतलब जो लोग यहाँ पे पोल रिजल्ट्स का एनालिसिस करवाते हैं उसमें ये बोलते हैं कि मतलब इतने स्टूडेंट्स ने इसका पोल पे अपना नंबर मार्क किया कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इतने इतने मार्क्स हैं, एंड फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली लोग कट ऑफ्स बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने ही बनाया, बट फ्रेंड्स एक चीज़ और सुन, ये चीज़ है, इस पर कट ऑफ बनाते हैं लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 1-2 नंबर का आगे पीछे रहता है इस टाइप में। इसमें ये बोला जाता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं बहुत, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स तो अपना मैक्सिमम इसमें भाग लेते ही नहीं है, कि वो लोग इसमें भी वो पार्टिसिपेट करते नहीं है, वो अपने मार्क्स को इसमें एनालाइज नहीं करते हैं। बट ऑन एवरेज जो लोग पोल रिजल्ट्स में शामिल होते हैं उसमें एटलीस्ट उसमें ऑन एवरेज पता चल जाता है कि अप्रॉक्स कितने मार्क्स जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंगली हम आपको यहाँ पे, चलिए अब आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल CMA और AC की कट ऑफ्स क्या क्या जाने वाली हैं। जनरल OBC SC ST की, जहाँ पे आप लोग को डेंजर जोन्स की, पहले मैं बता देता हूँ डेंजर जोन्स कौन कौन से हैं। डेंजर जोन्स में आप लोग के इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनके अकॉर्डिंगली हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक, कि क्या कट ऑफ्स जाने वाली है। ये फ्रेंड्स इन मार्क्स के बीच में अगर आपका है तो ये आप लोग सेफ स्कोर है आप लोग का। अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आप लोग डेंजर जोन में हैं। फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ्स क्या होंगी और किस शिफ्ट में यहाँ पे आप लोग के मतलब नंबर सही आएंगे और किस में ब्रांच वाइज कट ऑफ्स को हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की जो जनरल की OBC कट ऑफ है आप लोग की, यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है 102 से 105 के बीच में जाएगी इलेक्ट्रिकल में, ठीक। और एक तो और चीज़ बता दें, सिविल की कट ऑफ यहाँ पे कम जाने वाली है और यहाँ पे फाइट बहुत तगड़ी है, तो यहाँ पे 100% इस बार की सिविल की कट ऑफ तो 100% कम जानी ही जानी है। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल की जो जनरल कट ऑफ है 102 से 105 के बीच जाएगी, OBC 94 से 98 के बीच में जाएगी, SC आपकी 89 से 93 के बीच अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाएगी, ST की 82-88 के बीच में। देन हम बात करते हैं मैकेनिकल की, 105 से 110 के बीच जाएगी, 100 से 105 के बीच OBC की जाएगी, 90 से 95 के बीच मैकेनिकल की, 85 से 90 के बीच में आपके ST की। देन सिविल की बात करें तो यहाँ जनरल की 90 से 95 के बीच, 88 से 93 सिविल, 80-87 यहाँ पे SC की, और ST की यहाँ 78-80। देन CMA की हम बात करें तो CMA में आप लोग का दोस्तों 95 से 100 के बीच यहाँ पे जाएगी जनरल की कट ऑफ, OBC आप लोग का जाएगा 94-98, देन SC आप लोग का जाएगा 88-92, एंड ST आपका जाएगा 82-89 के अराउंड यहाँ पे आप लोग का। एंड फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर इन मार्क्स के बीच में आप अराउंड लाइक कर रहे हैं तभी अपने आप को सेफ मानिएगा, क्योंकि ये मार्क्स ऐसे मार्क्स है, अगर इसके आगे पीछे भी हुआ है फिर 1-2 नंबर का आगे पीछे चलता है, बट अगर आप इसके अराउंड में ही नंबर पा रहे हैं तभी आप लोग अपने आप को सेफ जोन में समझिए कि आप लोग का सिलेक्शन शॉर्ट एंड श्योर है। आप लोग DVA मेडिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा उसके लिए, ओके फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैकेनिकल वालों की सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है आप लोग जानते ही हैं, एंड सिविल की यहाँ पे इस बार कम कट ऑफ जाएगी, एंड इलेक्ट्रिकल की भी ऑन एवरेज अप्रॉक्स मैकेनिकल के अराउंड ही पहुँच जाती है और वो भी टफ जोन्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।